रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के डिघिया गांव में उन्नाव के बिहार से 5 बारातियों को लेकर दूल्हा पहुंचा, जिसके बाद शादी का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन का पालन देखने को मिला। शादी का कार्यक्रम दिन में ही रखा गया था। 4 घंटे के इस कार्यक्रम के बाद बारात दुल्हन को लेकर उन्नाव के बिहार के लिए रवाना हो गई। दुल्हन के पिता ने बताया कि लड़के की मां की तबीयत खराब रहती है, जिसके चलते लॉकडाउन में शादी करने का निर्णय लिया गया। वहीं दूल्हे ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शादी संपन्न हुई, जिसमें कुल 5 बराती शामिल थे। रायबरेली से ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। कहां के रहने वाले हैं? ग्राम नयाखेड़ा पोस्ट द्वारा थाना बिहार। अच्छा, आज आप बारात लेकर आए, कहाँ बारात लेकर आए हैं, कितने लोग बारात में आए हैं, क्या आपको परमिशन मिले, इसके बारे में कुछ बताएं। सर, 5 लोग आए हैं और ग्राम डिघिया पोस्ट मीठापुर रायबरेली आए हैं। बारात में कितने लोग आए हैं? 5 लोग। कोई रास्ते में दिक्कत? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं सर। शादी का प्रोग्राम आपका चल रहा है? सर, संपन्न हो गया शादी का प्रोग्राम। अच्छा, तो लॉकडाउन में आपकी शादी हो रही, इसमें आपको कैसा लग रहा है? जैसे काफ़ी धूम धड़ाका शादी होती है, आज आपकी शादी है, शांति भरा माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? सर, पूरा शांति भरा माहौल रखा लॉकडाउन का पालन करते हुए सर, कोई धूमधाम नहीं सर, सिंपल कार्यक्रम रहा। ठीक है। आपका नाम क्या है? अनिश कुमार सर। और आपके पिता? जंग बहादुर सर जी, जंग बहादुर।